भारत की प्राचीन और ऐतिहासिक गुफाओं में से एक है उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाएं, जो ओडिशा राज्य में भुवनेश्वर शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयगिरी और खंडागिरी को उसके नाम ओडिशा के स्थानीय भाषा ओडिया से मिले हैं। उदयगिरी का अर्थ ओडिया में सनराइज हिल है, क्योंकि यह भुवनेश्वर के पूर्व में स्थित है और सूरज की पहली किरणें हर सुबह इस पर पड़ती है। इस पहाड़ी को कुमारी पर्वत के रूप से भी जाना जाता है। वहीं खंडागिरी का अर्थ टूटी हुई पहाड़ी है। यह नाम पहाड़ी के उबड़ खाबड़ और टूटे हुए रूप को संदर्भित करता है। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे उदयगिरी और खंडागिरी केव से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और ऐसी ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मिस्ट्रोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उदयगिरी और खंडागिरी दो अलग अलग गुफाएं हैं, जो एक दूसरे के सामने 200 मीटर के अंतर पर दो पहाड़ियों पर स्थित है। उदयगिरी में कुल 18 गुफाएं हैं और खंडागिरी में कुल 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि यह जैन समुदाय द्वारा बनाई गई सबसे शुरुआती गुफाओं में से एक है। यह स्थान एक महान ऐतिहासिक महत्व रखता है, जो पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उदयगिरी गुफा पहाड़ी की दाई ओर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई लगभग 135 फुट है, और खंडागिरी गुफा पहाड़ी की बाई ओर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई लगभग 118 फुट है। इन गुफाओं का निर्माण कलिंग नरेश खारवेल द्वारा जैन साधुओं के रहने के लिए कराया गया था। ये गुफाएं मुख्य रूप से साधुओं के आराम करने और सोने के लिए बनाए गए थे। गुफाओं की बनावट कुछ ऐसी है जिसमें साधु जन शांति से समाधि लगाते थे और कठोर तपस्या करते थे। गुफाओं के मुंह दरवाजे जैसे हैं, जहां से दिन के समय सूरज की रोशनी आ सकती है और पत्थर के फर्श गर्म रहते हैं। साथ ही रात के समय गुफा में चांद की रोशनी भी आती है, जिससे गुफाओं में उजाला रहता है। इन गुफाओं में साधु जन संसार को त्याग कर अपने तन मन की शक्तियों के प्रवाह से निर्वाण के लिए तपस्या करते थे। इस गुफा से सुगंधित फूलों, चहचहाते पक्षियों और पत्तों की सरसराहट के समीप साधु जन प्रकृति के साथ एक रूप हो जाते थे। उदयगिरी गुफा में कुल 18 गुफाएं हैं और वस्तुओं के आधार पर इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। आइए जरा इनके कुछ खास गुफाओं के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहली गुफा है रानी गुफा। यह गुफा उदयगिरी और खंडागिरी गुफाओं की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध गुफा है। यह गुफा ध्वनि संतुलन की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग मंत्र उच्चारण और नाट्य प्रदर्शन के लिए किया जाता था। यहाँ पर रथ पर सवार सूर्य देवता की मूर्ति भी है। साथ ही गुफा के अंदर कई प्राचीन और सुंदर मूर्तियां भी देखी जा सकती है। दूसरा है अलकापुरी गुफा। यह दो मंजिला गुफा है, जिसका मुख्य आकर्षण एक शेर की मूर्ति है, जो अपने शिकार को मुंह में पकड़े हुए है। इसके बाद है मंचापुरी और स्वर्गपुरी गुफा। इस गुफा में जिन की पूजा करते हुए दो नर और मादा की आकृति को दर्शाया गया है। इस गुफा में राजमुकुट पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति भी है, जिसके बारे में कहा जाता है यह छेदी नरेश वक्रदेव की मूर्ति है। साथ ही गुफाओं में जैन धर्म का धार्मिक चिन्ह भी है, जो अभी क्षतिग्रस्त हो गया है। गणेश गुफा। गणेश गुफा उदयगिरी की सबसे महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है। गुफा का नाम गणेश की नकाशीदार आकृति के लिए रखा गया है। आप जब भी इस गुफा में प्रवेश करने वाले होंगे तो हाथियों की दो बड़ी मूर्ति देख सकेंगे, जो भगवान गणेश की ओर माला ले जा रही प्रतीत होती है। सर्प गुफा। सर्प गुफा एक छोटी गुफा है, जिसमें दो शिलालेख मौजूद है। यहाँ पर राजा खारवेल का जीवन रचित मगधी भाषा में अंकित है। रोसई गुफा। रोसई गुफा उदयगिरी की गुफाओं का सबसे अंतिम गुफा है। आइए अब खंडागिरी के कुछ खास गुफाओं के बारे में जान लेते हैं। खंडागिरी की पहली और दूसरी गुफा को तातोआ गुफा 1 और 2 से जाना जाता है। इन गुफाओं में रक्षकों और दो बैलों तथा शेरों की नकाशी की गई है, तथा इसके प्रवेश द्वार पर तोतों की डिजाइन की गई है, जिस वजह से इसे तातोआ गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है त्रिशूला गुफा। त्रिशूला गुफा खंडागिरी गुफाओं का सबसे प्रमुख गुफा है, जिसमें कायोत्सर्ग मुद्रा में ऋषभ देव की मूर्तियां हैं। इसके साथ साथ इस गुफा में 24 जैन तीर्थकरों की मूर्तियां भी हैं।
तो गाइस ये थे उदयगिरी और खंडागिरी की गुफाओं के बारे में सारी जानकारी। अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच कभी भी आ सकते हैं। गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्ट्रोलॉजी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे क्यूरियस।